हेलो गाइस, आई एम बैक। पिछली बार मैंने बहुत ही सारी पानी पूरी खाई थी जो कि बहुत ही स्पाइसी थी। अभी मुझे डेज़र्ट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो मैंने बहुत सारी डेज़र्ट मंगवा ली है। और हाँ, इसमें से एक डेज़र्ट जो है मैंने घर पे बनाई है, जिसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये है जैगरी सीरियल बार, जिसको आप दाल चिक्की भी बोल सकते हो। तो चलिए, मेरे पास है स्पॉन्जी रसगुल्ला, फ्रूट मलाई, गुलाब जामुन, मलाई रोल, बालूशाही, केसर चमचम, ये क्या था इसके नाम, क्या था नाम, मैं भूल ही गई है इसके तो नाम, एक सेकंड, पता नहीं, कुछ पिन्नी देसी घी, हाँ पिन्नी देसी घी। ये है रस मलाई, ये है जलेबी, और इसकी तो रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ चेकआउट कर लेना। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि ये दाल से बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। पहले रसगुल्ले से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी दिख रही है, ये देखिए आप। बहुत ही स्पॉन्जी है। बहुत दिनों के बाद डेजर्ट खाई है मैंने, तो अच्छा लगा। अभी इससे स्टार्ट करते हैं। ये है फ्रूट मलाई। गुलाब जामुन,
बहुत ही बेकार थी ये डेज़र्ट, नहीं खाना मुझे। कुछ अजीब अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें से। ये थी पिन्नी देसी घी।
ओके गाइस, आई एम डन. मेरी जो डेजर्ट क्रेविंग थी वो पूरी हो चुकी है और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी मिठाई खा ली है. सबसे अच्छी मुझे ये लगी, ये होममेड, ये सीरियल दाल चिक्की. ऐसा नहीं कि मैंने ही बनाई है, इसलिए क्योंकि ये मिठाई सबसे अलग थी. बाकी तो सारी शुगर सिरप और घी में बनी हुई थी. कोई कोई मिठाई मुझे अच्छी भी नहीं लगी, जैसे ये पिन्नी मुझे बिल्कुल भी नहीं भाई. स्मेल और इसकी जो टेस्ट है मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी. सोचा था कि मैं बहुत सारी डेजर्ट खा लूँगी लेकिन नहीं हो पाई और मुझे फ़ोर्स नहीं करना है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. तब तक के लिए बाय.